मध्य प्रदेश के इंदौर से महाराष्ट्र में आने वाली स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस, इसका एक्सीडेंट धार जिले में हुआ है। अभी तक 13 लोगों के मृत्यु होने की खबर हमारे पास है, बाकी लोगों को ढूंढा जा रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने और मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से बातचीत की। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने पूरा प्रशासन वहां पर लगाया है, स्वयं उन्होंने उसमें ध्यान दिया है और जल्दी से जल्दी वहां क्या मदद की जा सकती है वो मदद भी उन्होंने की है। अभी जो लोग प्राप्त नहीं हुए हैं उनको खोजने का काम चल रहा है। जो बॉडीज प्राप्त हुई है उसकी आगे की जो व्यवस्था है उसमें भी उनका सहकार्य हमको मिल रहा है। जलगांव में भी हम लोगों ने एक सेंटर शुरू किया है जहां से सारी जानकारी जो मृत हुए हैं या जिनकी जो अभी मिले नहीं है ऐसे लोगों के रिश्तेदारों को पूरी जानकारी मिले और कोऑर्डिनेशन हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। हमारे पूर्व मंत्री और सीनियर नेता गिरीश महाजन जी को हमने तुरंत वाया इंदौर स्पॉट पर भेजा है, वहां पर जाकर वो भी सारा कोऑर्डिनेशन करेंगे और मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से बहुत कोऑपरेशन हमको इस सारे मामले में मिल रहा है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।